हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खुशहाल के इस परिवार में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देखिए, इस बार गेहूं की फसल में बारिश हो रही है। जैसा कि आज लगभग यूपी के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्य, विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है, तो इस बारिश का गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस प्रभाव पड़ेगा इसको कैसे निकाला जाए, इसका कैसे समाधान किया जाए, तो आइए इस बारे में हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो जैसा कि विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है इस समय 23 जनवरी को, जिसके कारण क्या होता है, गेहूं के जो पत्तियां हैं वो क्या होता है, पीली पड़ जाती हैं। कहीं कहीं बारिश पानी जब भर जाता है तो क्या होता है, जब पानी पौधे के आसपास, जड़ों के आसपास जब पानी भरता है तो पौधा क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता और नाइट्रोजन की भी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, तो पौधा पीला पड़ने लगता है। और पौधे के एक भाग में अगर नाइट्रोजन रहती है तो जो जिधर जिस तरफ हरा है वो वही भाग जो हरा होने लगता है, दूसरा जो पत्ता पीला होने लगता है वो पीला होता चला जाता है, क्योंकि उसको बाहर से नाइट्रोजन नहीं मिलती है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके खेत में है तो कोशिश करें कि बारिश में पानी खेत में ना रुकने पाए, क्योंकि गेहूं को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो आप अपने खेत को समतल रखिए और पानी से जल निकास की उचित व्यवस्था रखिए। फिर भी यदि जल निकास हो रहा है और फसल आपकी पीली पड़ रही है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, WDA सल्फर आता है 80% में, 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ उसका प्रयोग करिए यूरिया में मिलाकर। फसल आपकी अगर पीली पड़ रही, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, वो पीले नहीं पड़ेंगे और उसके जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, पौधा वापस हरा भरा हो जाएगा। तो ये पीलापन हटाने के, इसके अलावा आप प्रयोग कर सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का पीलापन हटाने, क्योंकि मैग्नीशियम की काफ़ी आवश्यकता होती है पौधे के पीलापन को हटाने के लिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल की प्रक्रिया में को बढ़ाने में, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग आप साथ में कर सकते हैं। ये दोनों अगर प्रयोग करें बहुत ही अच्छा, फसल अगर आपकी गेहूँ पीली हो गई तो वाकई में हरी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर